मुरैना में पत्थर एवं रेत माफिया के हौसले बुलंद हैं। अवैध पत्थर से लदे ट्रैक्टर ट्रालियों को पकड़ने के लिए मुरैना के सिविल लाइन थाने के थाना प्रभारी रामबाबू यादव अपनी टीम के साथ जब पहुंचे तो अवैध पत्थर से लदे ट्रैक्टर चालक ने ट्रैक्टर को एक पेड़ से टकरा दिया, जिससे थाना प्रभारी रामबाबू यादव के मुंह एवं कमर में चोटें आई हैं। घटना गुरुवार की है। रामबाबू यादव को जिला अस्पताल मुरैना लाया गया, जहां से उन्हें डॉक्टरों ने ग्वालियर रेफर कर दिया है। बता दें कि घटना उस समय घटी जब सिविल लाइन थाना प्रभारी रामबाबू यादव सिविल ड्रेस में अपनी टीम के साथ, जिसमें माइनिंग विभाग की अधिकारी भी शामिल थे, अवैध पत्थर से लदे ट्रैक्टर ट्राली को पकड़ने गए थे। इस समय उन्हें तीन ट्रैक्टर अवैध पत्थर से लदे आते दिखाई दिए। उन्होंने उन ट्रैक्टरों को रोकने की कोशिश की, जिसमें से दो ट्रैक्टर पुलिस के हाथ से फिसल गए। पीछे से तीसरे नंबर का एक ट्रैक्टर आ रहा था। रामबाबू यादव ने उस ट्रैक्टर पर चढ़ने का प्रयास किया, लेकिन उसी समय ट्रैक्टर चालक ने उनको धक्का देकर नीचे गिरा दिया और ट्रैक्टर को एक पेड़ में टकरा दिया। इस घटना में रामबाबू यादव के मुंह एवं कमर में गंभीर चोटें आई हैं। माइनिंग विभाग की टीम के साथ टीआई सिविल लाइन श्री रामबाबू यादव अपने बोर्ड के साथ गए थे, तो जो सूचना मिली थी कि अवैध पत्थर के ट्रैक्टर विक्रम नगर तरफ जा रहे हैं, इस बात पर वो वहाँ गए तो दो तीन ट्रैक्टर आते नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो उन्होंने ट्रैक्टर चला के तेजी से और उनके ऊपर चढ़ाने का प्रयास किया। मौके से ट्रैक्टर वगैरह था? हाँ, मौके से ट्रैक्टर और एक उसका चालक पकड़ गया है। ट्रैक्टर ट्रॉली सिविल लाइन थाने में रखी गई। हाँ, वो अभी प्रकरण कायम हो रहा है।